ऑलराइट एवरीवन, सो अब डिस्कस करेंगे क्या फिनॉल। सो अल्कोहल से ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, आज हम बात करेंगे फिनॉल के बारे में। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो फिनॉल हम सबको पता है कि भैया बेंजीन के ऊपर वी हैव ओएच ग्रुप, ठीक है, इसको बोलते हैं फिनॉल, राइट। बेंजीनॉल भी कहीं कहीं आप देखोगे, इसका एक और नाम है कार्बोलिक एसिड, याद रखिएगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। वो कार्बोनिक एसिड क्या होता है, दैट इज H2CO3, एसिड रेन में जो बनता है H2O+CO2। तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमें, कार्बोनिक बोला तो H2CO3, लिक बोला तो फिनॉल, याद रहेगा। कार्बोलिक एसिड बोला है, एसिड बोला है फिनॉल को, मतलब कुछ तो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होगी, आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात कर देते हैं भैया, कॉमन नेम होता है और IUPAC नेम होता है, बड़ा सिंपल है। हैलोरेंज में हमने पढ़ा था, ये बेंजीन है, OH है, इसके बाजू वाले पोजिशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं पैरा। और IUPAC में नंबरिंग कैसे करेंगे, जहां पे OH है वहीं से आप नंबरिंग करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर अपने पास यहाँ पे OH है और यहाँ पर CL, तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा, इसका कॉमन नेम आएगा मेटाक्लोरो, M क्लोरोफिनॉल, बात समझ में आ रही है। और IUPAC नेम क्या होगा इसका, 3-क्लोरोफिनॉल, इस तरीके से, सिंपल है कि नहीं। तो जहां पर OH है वहां से आपको नंबरिंग कर देना है, 1, 2, 3, जहीं पे भी अगर OH यहां पे होता तो यहां से नंबरिंग करते, 1, 2, 3, 4। सो दिस इज ऑल अबाउट IUPAC। वैसे ऑलरेडी हैलोरेंस में काफी सारी चीजें की हमने, मेन इसका हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करता है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर देता हूं, चलो। क्लासिफिकेशन आपके हिसाब से ऑन व्हाट बेसिस हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक बोले तो बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक OH है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस मोनोहाइड्रिक है बट क्या नाम है इसका, फिनॉल, बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे नैफ्थलिन लिख दू, नैफ्थलिन में यहां पर OH लिख देता हूं, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीटा नैफ्थॉल बोल सकते हैं। ये अल्फा पोजिशन है, ये बीटा, या 2-नैफ्थॉल भी बोल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, आगे जाके केमिकल प्रॉपर्टीज में आप पढ़ोगे, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में पढ़ोगे। और क्या ले सकते हैं अपने पास, ये COOH, क्या ये फिनॉल है, नहीं सर, ये तो आपने बेंजोइक एसिड बना दिया है, बट अगर यहाँ पर OH डाले तो फिनॉल बोल सकते हैं ना, यस। स्पेसिफिकली कौन सा कंपाउंड है ये, सैलिसिलिक एसिड, कौन सा है, सैलिसिलिक एसिड। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यहां पे मैं OH लिख देता हूं और यहां पे CH3 लिख देता हूं। तो जब बेंजीन के ऊपर OH भी है, CH3 है, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं क्रेसॉल। टू बी मोर स्पेसिफिक, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थोक्रेसॉल, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोक्रेसॉल। ऑर्थोक्रेसॉल यहां पे आया तो मेटाक्रेसॉल, यहां पे आया तो पैराक्रेसॉल, इसीलिए क्रेसॉल को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, यहां पे OH और बीच में से मैं ऐसा CH3 निकालता हूं। जब भी बीच में से कोई ऐसा ग्रुप आता है, इसका मतलब वो ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है। सो दिस इज नथिंग बट क्रेसॉल। तो क्रेसॉल के 3 आइसोमर्स हो सकते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब बात करते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक फिनॉल के बारे में। बेंजीन है, OH आजू बाजू में, जब भी आजू बाजू में आया है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटिकॉल। ये काफी सारे कॉमन नेम है जो अपने को याद रखने पड़ेंगे, कैटिकॉल। कुछ लोग कैटिचॉल बोलते हैं, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, मैं तो कैटिकॉल बोलता हूं। यहां पे OH, OH मेटा पोजिशंस पे है, मेटा पोजिशंस पे, इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल। यहां पर अगर OH ले लिया और यहां पर OH ले लिया तो इसका नाम, यहां पर आई हैव फ्यू मोर एग्जांपल्स, यहां पे ये लिख सकते हैं क्विनॉल, लिख सकते हैं क्विनॉल, क्विनॉल, क्विनीन, ये सब आप वर्ड सुनोगे, ये सब क्विनीन ऐसा नाम जब भी आया ना, इसका मतलब एंटी मलेरियल, एंटी मलेरिया के लिए यूज कर सकते हैं, दीज आर एंटी मलेरियल एजेंट्स, राइट। क्विनॉल बड़ा सिंपल है, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो आता तो इसको क्विनोन बोलते थे,
डाइहाइड्रिक। अब बात करते हैं ट्राइहाइड्रिक के बारे में। ट्राइहाइड्रिक ये बेंजीन है, OH, 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 इसका कॉमन नेम कहेगा। अगर IUPAC लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल। इसका भी अगर कॉमन नेम लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, बेंजीन 1,4 डाइऑल, है ना। अभी इसका जो कॉमन नेम है उसको बोलते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल। एकदम सर चकरा जाएगा, इतना ऐसे ऐसे नाम है, फ्लोरोग्लूसिनॉल। मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी, कैसे याद रखें। एक बार बच्चा याद करता है बाद में भूल जाता है, बट मुझे ऐसा पढ़ाना है कि आप हमेशा के लिए याद रखो। इसका नाम है पाइरोगैलॉल। हाँ, और एक ऐसा भी बना सकते हैं ना आइसोमर, OH यहां पर है, एक OH यहां पर है और एक OH यहां पर है। इसका कोई ऐसा एसच कॉमन नेम नहीं है, इसको ऐसा बोल सकते हैं बेंजीन 1,2,4 ट्रायोल। अभी ये दो नाम कैसे याद रखना है ये मैं बताता हूं। ऐसे ये मान के चलो जो बेंजीन रिंग है वो मेन बॉडी है और ये मुंडी है, ये चेहरा है और ये दो हाथ है। बाकी पाव कहां पर है ये सब मत पूछो, ये दो हाथ है। तो दोनों हाथ जो है वो कहां पर है, फ्लोर की तरफ है ना, फ्लोर फ्लोर बराबर की नहीं, और फ्लोर पे ऐसा मानो कि ग्लू ग्लू पड़ा हुआ है, बहुत सारा ग्लू पड़ा हुआ है। तो ऐसे फ्लोरोग्लूसिनॉल, दोनों हाथ जब फ्लोर की तरफ है तो फ्लोर फ्लोरोग्लूसिनॉल, इस तरीके से याद रखना। बड़ा ही फनी है, सिली है, बट ठीक है, इसी से याद रहता है। पाइरोगैलॉल, अब दोनों हाथ कहां पर है, ऊपर है, देखो दोनों OH ऊपर है, कहां पर है, आपके प्यारे प्यारे गाल की तरफ है, बराबर। तो प्यारो गाल, देखो पाइरोगैलॉल, प्यारे गाल, इस तरीके से याद रखना है। बड़ा ही सिली है, बट यार मैंने ये ट्रिक बनाया तो मुझे ये जिंदगी भर के लिए याद है, आपको भी जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, राइट। सो ये क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर भी कवर कर लिया, ये नोट डाउन करो, उसके बाद में इसका प्रिपरेशन करता है।